वलीमे का जिक्र मैं कर चुका हूँ, ये एक अपनी क्या कहते हैं उसे, एक अलग किस्म का वलीमा होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहराए थर के बड़े शहर मिट्टी में, एक बार फिर से रात को हम पहुँचे यहाँ पर मिट्टी में, और एक ऐसी वीडियो मुंतज़िर होगी इस वीडियो के साथ मुत्तसिल या इसके बाद, जिसमें हम लोग एक बिल्कुल नई जगह पर जाने वाले हैं। उस जगह को पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ते के लिए, मुश्तबा साहब पीछे आ रहे होंगे बाइक लेकर। ये है इस्लाम कोट कोल पावर प्लांट। काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि इसके अंदरूनी मनाजिर कभी रिकॉर्ड कर पाएं, लेकिन परमिशन नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं असगर पावर साहब, उनकी अंदर तक रसाई है, वो यहाँ मुलाजमत करते हैं, तो उन्हीं के कैमरे से बनी हुई वीडियो उनकी इजाज़त के साथ आपके लिए पेश खिदमत है।
आएँ हम आपको बताते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है और इसका काम क्या है और इसमें कौन कौन से सिस्टम दिए गए हैं। इसके अंदर ये वाल हैं, इनके अंदर पाइप लगा के कहीं टैंकी में पानी डालने के लिए उसके लिए ये सिस्टम दिए गए हैं, ये वाले वाल लगे हुए हैं। और उसके बाद आएँ आपको उसका नेक्स्ट फंक्शन बताते हैं। इसके अंदर ये वाला फुहारा दिया गया है, ये साइडों में छिड़काव के लिए, ये वाले से खोलेंगे और इधर से ये पानी प्रेशर के साथ बाहर फेंकेगी। और उसके बाद जो है वो ये रोड पे छिड़काव के लिए ये फुहारे दिए गए हैं, रोड पे या कहीं ग्राउंड के अंदर कहीं पर भी, तो उसके लिए ये फुहारे ये इस साइड भी दिए गए हैं और इस साइड भी दिए गए हैं। ये दोनों साइडों पे छिड़काव कर सकती है। और ये पीछे कच्चा रास्ता हो या रोड हो या ग्राउंड हो, कहीं पर भी गाड़ी चला के छिड़काव करते हैं, बड़ा प्रेशर के साथ पानी बाहर फेंकती है। और जहाँ गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है और वहाँ छिड़काव करना है, उसके लिए ये वाला फुहारा दिया गया है। ये दूर प्रेशर भी फेंकता है और पास पानी फैला के भी फेंकता है। उसके अंदर ये वाला फंक्शन दिया गया है, ये ऐसे घुमा के इसकी सेटिंग की जाती है। ये देखें ये घूम रहा है फ्रेंड्स, ये देखें। और इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये घुमाने से ये अंदर चला गया तो ये फुहारा फैला के भी फेंकती है और सीधा पानी भी फेंकती है, दूर तक भी फेंकती है और करीब भी छिड़काव करने में ये काम आता है। और उसके बाद आए आपको इसका मुकम्मल तस्वीर गाड़ी की दिखाते हैं, गाड़ी आपको मुकम्मल दिखाते हैं कि दिखने में कैसी है। और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी बनी हुई है, ये छोटी छोटी गलियों में भी जा सकती है और आपके घर की टांकियाँ भी पानी ऊपर तक ये चढ़ा सकती है प्रेशर के साथ। और इसके अंदर आगे से रोड या कोई नीचे रास्ता धोने के लिए भी सिस्टम दिया गया है, ये इसके पाइप लगे हुए हैं, इसके अंदर नोज़ल लगती है और वो प्रेशर के साथ ऐसे पानी बाहर फेंकती है। इस साइड पर भी ये नोज़ल लगी हुई है, ये दोनों साइडों से इस साइड और इस साइड प्रेशर के साथ पानी मार के रोड को धोने के भी काम आती है। तो ये फायर ब्रिगेड का भी काम करती है और छिड़काव का भी काम करती है और पानी टैंकी भरने का भी काम करती है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन गाड़ी बनी हुई है। उम्मीद है कि आपको ये गाड़ी देख के पसंद आई होगी। रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ये गाड़ी इस तरह ये प्रेशर मारती है लेकिन अभी तो रफ्तार कम की हुई है, जैसे ही गाड़ी को एक्सीलेटर देंगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा और ये दूर तक प्रेशर फेंक सकती है। हाँ जी, यह सेटिंग कम करे थी तो आ गया मुँह वाली सेटिंग। हाँ यार, थोड़ा यो फुहारे फैला ना इन गाड़ी, यो थोड़ो खराब आ छरे रही छरे रही। हाँ ये कर ना, ये देखें अभी ये फैला के पानी फेंक रहा है। हाँ बस सही है, सीधो प्रेशर करे जल्दी। ये वही गाड़ी है लेकिन कलर चेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हूँ। पहले हमने डिसाइड किया था कि तंबू कनाते लगाएं, 100 बंदे की दावत का इंतजाम था। तंबू कनाते हमें कुछ कंसेक्शन के बाद 11,000 में पड़ गई, प्रोग्राम बढ़ गया, 200 बंदों का हो गया। तो मैंने अंदाजा लगाया कि 200 बंदों का वो कम से कम भी 20,000 से 22,000 रुपए ले लेगा वो डेकोरेशन वाला जो तंबू कनात वाला है। और उसके बाद फिर उनकी क्या कहते हैं उसे, पंचायतें, बर्तन गिनना और वो देना, ये हाल हमें उससे सस्ता पड़ेगा। इससे लास्ट टाइम हमने करवाया था ये, तो मुझे आइडिया है, तो वो ये उससे हमें सस्ता भी पड़ जाएगा और माशाल्लाह ये एनवायरनमेंट भी खूबसूरत हो जाएगा। वलीमे का जिक्र मैं कर चुका हूँ, ये एक अपनी
क्या कहते हैं उसे, एक अलग किस्म का वलीमा होने जा रहा है कि चीजें कुछ खुफिया रखता हूं मैं, किसका वलीमा कहाँ हो रहा है, इसमें लोग कौन पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में, ये बहुत यूनिक हटकर चीज होने वाली है। बस आपने इंतजार करना, मैं देखूं ये किस दिन मुझे खाली मिलता है। मेरा प्रोग्राम था संडे का, संडे को अमूमन बहुत शादियां होती हैं, अगर हमें संडे को नहीं खाली मिला तो मंडे को, ये आने वाला जो मंडे, ट्यूसडे को मिला तो ट्यूसडे। इंशाल्लाह यहां 200 बंदों की दावत का इंतजाम होगा और 200 लोग वो होंगे जो गरीब लोग, जो हम कोशिश करेंगे उन्हीं लोगों को इनवाइट करें विद फैमिली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसन तरीके से हम उन्हें, अच्छे तरीके से हम उन्हें खाना खिला पाए। तो अल्लाह खैर करे, आ जाए हमारे बुकिंग वाले, मरहबा लान की उमरकोट गैरेज रोड, सेटेलाइट ऑन उस तरफ, स्कीम नंबर 2 पीछे सेटेलाइट ऑन ब्लॉक सेक्टर ए जो भी है, यहाँ ये वाकया इंशाल्लाह डील करते हैं और फिर आपसे इजाज़त लें। ऑल व्यूअर्स, हमें संडे का हम सोच रहे थे, संडे को और मंडे को हमें हाल खाली नहीं मिला, तो 27 तारीख बरोज मंगल 27 फरवरी दोपहर का खाना ये बुक हो गया है। 19,000 कह रहे हैं भाई से और डील करके, वो तो देखें कि अगर 1,000 छूटता है, नहीं छूटता तो 19,000 में ये डील, ये 5,000 पे आपका एडवांस मेरे भाई, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अभी इंशाल्लाह मंगल वाले दिन। तो मैं अपने व्यूअर्स से यहाँ इजाजत चाहूंगा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर करें, और अगर आप पैट्रियन पर हैं तो आप हमारे हमारे कॉज को सपोर्ट करने के लिए वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, और दामे दरमे सुखने जो कुछ हो सकता है तो आप भी इसमें हिस्सा मिलाते रहिए, और ये लोगों की कंट्रीब्यूशन ही है जिससे हम जैसे नाकारा लोग भी, उनसे भी अल्लाह काम ले रहा है। अनीस भाई एक शेर पढ़ते हैं, एक मिसरा उसका, कि अल्लाह सबकी सुनता है मगर किसी किसी को चुनता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें चुने हुए लोगों में शामिल करे और इसी तरह से इस्तकामत दे। तमाम मेहरबान फरिश्ता सिर्फ नेक सीरत लोगों का बहुत शुक्रिया, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा आज मीरपुर खास में कुछ आसानियां कुछ खुशियां बांटता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।